अच्छा ये जो पानी बरस रहा है, बताओ ये पानी बरसने वाला कहां से आया? जोर से, ऊपर से। ऊपर कहां से गया? ऊपर कहां से गया? नीचे से। नीचे का पानी ऊपर गया और फिर नीचे आ गया। बोलो हाँ। पानी जब गर्मी पड़ती है तो भाप बनता है। पानी भाप से आप पानी ऊपर जाता है, वही बादलों में तब्दील होता है। अधिकांश पानी समुद्र से बादलों में जाता है, क्योंकि पानी की मात्रा ज्यादा समुद्र में, तो समुद्र से पानी उठा, बादलों में गया भाप बनकर, और वही पानी बादलों ने बरसाया। पानी आपके छत में गिरे या आपके आंगन में गिरे, मेरठ में गिरे या महाराष्ट्र में गिरे, पानी गिरेगा कहीं भी, पर पहुंचेगा एक जगह। नाले से होता हुआ नदी में, नदी से होता हुआ समुद्र में। और पानी उठा कहां से था? समुद्र से। और पहुंच कहां गया? तो जहां का जो है वो वहीं पहुंचेगा। ये जो पानी मेरठ में भरा है, इस कथा पांडाल में, ये पानी भी धीरे धीरे अपने गंतव्य तक पहुंचेगा। चाहे भाप बनकर पहुंचे, चाहे यूं ही पहुंच जाए, पर समुद्र तक पहुंचेगा। उसी तरह हम और आप, हम सब ईश्वर के अंश हैं। हम किसके अंश हैं? ईश्वर के। इस संसार में कुछ काम करने आए हैं, कुछ उद्देश्य की पूर्ति करने आए हैं। कार्य पूरा करेंगे, उद्देश्य पूरा करेंगे और फिर वापस अपने घर। घर की वापसी को ही लोग मृत्यु कहते हैं। घर की वापसी को ही लोग क्या कहते हैं? मृत्यु कहते हैं। मर गया, मरा भरा कोई नहीं, जहां से आया